हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स। जितनी भी न्यूज है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये वीडियो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और ये स्पेशल वीडियो है आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने मेरे लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो का पीडीएफ परचेस किया है, उन लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने हमारे लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में कवर किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी जिन भी एग्जाम्स में आरबीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जाके आप जरूर देखिए। ये आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। और ये वीडियो आपको टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए लेके आई हूँ, इसमें आपको टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं आप लोगों के लिए। तो और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल है ये वीडियो। लास्ट 6 मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनवरी से जून तक के सारे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड बिजनेस न्यूज मैंने इसमें कवर की है। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिमानी विज ब्लॉग। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स फाइंडिंग हैज रिवील्ड दैट रुपीस डैश वाज द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि रुपये डैश सबसे पसंदीदा बैंक नोट था। तो कौन सा बैंक नोट सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बैंक नोट था? वो था 100 रुपए का। रुपीज 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स फाइंडिंग रिवील दैट अमंग बैंक नोट रुपीज 100 वॉज द मोस्ट प्रिफर्ड वाइल रुपीज 2000 वॉज द लीस्ट प्रिफर्ड डेनोमिनेशन। यानी कि आरबीआई के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि बैंक नोटों में 100 रुपये सबसे पसंदीदा थे जबकि 2000 रुपये सबसे कम पसंदीदा मूल्य वर्ग के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पसंद किए जाने वाला बैंक नोट कौन सा है तो वो 100 रुपये का है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम पसंद किए जाने वाला यानी कि जो मोस्ट जो लीस्ट प्रिफर्ड था वो कौन सा है, वो है 2000। सबसे कम पसंद किए जाने वाला होगा तो 2000 होगा, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला होगा तो वो 100 रुपए का होगा। ठीक है, दोनों ही आरबीआई के जो सर्वे हुआ है कंज्यूमर्स, उसमें बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स में पता चला है। द सर्वे दैट वॉज पब्लिश्ड इन द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट दिस ईयर सेड दैट रुपीज 100 नोट्स वर मोस्ट प्रिफर्ड अमंग इंडियंस व्हाइल रुपीज 2000 नोट्स वर द लीस्ट प्रिफर्ड। तो इस साल भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीयों में 100 रुपये के नोट सबसे ज्यादा पसंद किए गए जबकि 2000 रुपये के नोट सबसे कम पसंद किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा नोट सबसे ज्यादा पसंद किया गया, वो किया गया है 100 रुपए का, और सबसे कम पसंद किया गया है वो है 2000 रुपए का आरबीआई के बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स में। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है और आपने इस कंटेंट को जरूर पढ़ना है। लाइन बाय लाइन आपने इस कंटेंट को पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन कंटेंट को जरूर पढ़िए। कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं, इसलिए आपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है। कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं, कंटेंट से भी आ सकते हैं, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसलिए आपने कंटेंट भी जरूर पढ़ना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम नेटवर्क रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स बीबीपीओयूएस फ्रॉम रुपीज 100 करोड़ टू डैश। यानी कि आरबीआई ने गैर बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता को 100 करोड़ रुपए से घटाकर डैश कर दिया है। कितना कर दिया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितना कर दिया है, 25 करोड़ रुपए कर दिया है। रुपीज 25 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
The RBI has eased norms for non-bank entities to set up Bharat bill payment operating units by reducing the net worth requirement to rupees 25 crore with a view of encouraging more players in the segment. तो RBI ने गैर बैंक संस्थाओं के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों को स्थापित करने के लिए मानदंडों को आसान बना दिया है, जिससे इस खंड में अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निवल मूल्य की आवश्यकताओं को घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है, 100 करोड़ रुपए से घटाकर कर दिया गया है 25 करोड़ रुपए। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको जरूर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आपकी चॉइस है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए या फिर वीडियो को पॉज करके देखिए। भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम का मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, BBPS इज इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म फॉर बिल पेमेंट्स एंड स्कोप एंड कवरेज ऑफ BBPS एक्सटेंड टू ऑल कैटेगरीज ऑफ बिलर्स हु रेज रिकरिंग बिल्स यूजर्स टू ऑफ BBPS एंजॉय बेनिफिट्स लाइक अ स्टैंडर्डाइज्ड बिल पेमेंट एक्सपीरियंस अ सेंट्रलाइज्ड कस्टमर ग्रीवेंस रेट्रेशल मैकेनिज्म एंड प्रिस्क्राइब्ड कस्टमर कन्वीनियंस फी। यानी कि भारत बिल भुगतान प्रणाली बिल भुगतान के एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है और BBPS एक दायरा और कवरेज उन सभी श्रेणियों के बिलर्स तक है जो आवर्ती बिल बढ़ाते हैं। BBPS के उपयोगकर्ता एक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, एक केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र और एक निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क जैसे लाभों का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स में अलाउ क्वालिफाइड डॉलर्स टू रेमिट एडवांस पेमेंट फॉर हाउ मेनी डेज फॉर द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू IIBX टू कंप्लायंस टू द एक्सटेंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशंस इश्यूड अंडर IFSC एक्ट। तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक योग्य डॉलर्स को IFSC अधिनियम के तहत जारी मौजूदा विदेश व्यापार नीति और विनियमों के अनुपालन में IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए कितने दिनों के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दे सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द RBI गाइडलाइंस। तो कितने दिनों का राइट आंसर हो जाएगा, 11 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11 दिन। RBI has announced new guidelines to permit qualified jewelers to import gold through the India International Bullion Exchange IFSC Limited or any other exchange। यानी कि RBI ने योग्य ज्वेलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड या किसी अन्य एक्सचेंज के माध्यम से सोना आयात करने की अनुमति देने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है, किसने, RBI ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसी के रिगार्डिंग है, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has asked all banks to give the option of which one to the consumers at their ATMs। तो RBI ने सभी बैंकों से उपभोक्ताओं को अपने ATM पर कौन सा विकल्प देने का आग्रह किया है, वो किया है ICCW। इसका सही आंसर है, क्या फुल फॉर्म है ICCW का, इसका है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉ। क्या है, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉ इज द फुल फॉर्म ऑफ ICCW। ऑल बैंक्स हैव बीन आस्क्ड बाय द RBI टू ऑफर कंज्यूमर्स द ऑप्शन ऑफ इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉ एट देयर ATMs। तो RBI ने सभी बैंकों से उपभोक्ताओं को अपने ATM पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉ का विकल्प देने का आग्रह किया है। अपने ATM पर सभी बैंक ATM नेटवर्क और WLOICCW के विकल्प की पेशकश कर सकते हैं और NPCI के सभी बैंकों और ATM नेटवर्क के साथ UPI एकीकरण और यथासंभव सरल बनाने की सलाह दी गई है। ग्राहक प्राधिकरण UPI का उपयोग करके किया जाएगा, लेकिन निपटान राष्ट्रीय वित्तीय स्विच ATM नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर ग्रुप हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI टू एग्जामिन कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए RBI ने कितने सदस्य समूह का गठन किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6।
आरबीआई एस्टैब्लिश्ड 6 मेंबर कमेटी टू असेस एंड रिव्यू कस्टमर सर्विस इन रेगुलेटेड फर्म्स विद द गोल ऑफ सेफगार्डिंग कस्टमर्स इंटरेस्ट। यानी कि आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लक्ष्य के साथ विनियमित फर्मों में ग्राहक सेवाओं का आकलन और समीक्षा करने के लिए 6 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। और बैंकिंग नियामक के एक बयान के अनुसार समिति ग्राहक सेवा मानकों की पर्याप्त की भी जांच करेगी और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करेगी। यानी कि द कमिटी विल ऑल्सो एग्जामिन द एडिक्वेसी ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेटर। द सिक्स कमेटी Six member committee will also assess the effectiveness of customer service regulation and make recommendation for improvements. ये 6 सदस्यीय समिति ग्राहक सेवा नियमों की प्रभावशीलता का भी आकलन करेगी और सुधार के लिए सिफारिशें भी करेगी। तो याद रखिएगा आरबीआई ने जो ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए यानी कि एग्जामिन कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स के लिए 6 मेंबर कमेटी का गठन किया है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। According to the RBI, the public sector banks have reported over a 51% dip in the amount involved in fraud to rupees dash during the financial year ended March 2022. यानी कि RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% से अधिक की गिरावट के साथ डैश की सूचना दी है। कितनी? 40,295 करोड़ रुपए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरबीआई हैज सेड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्टेड ओवर 51% फॉल इन द अमाउंट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड्स ऑफ 40,295.25 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी कि आरबीआई ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% की गिरावट के साथ 40,295 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज करी है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास और डेप्यूटी गवर्नर है 4, कौन कौन से? महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, 4 डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में। आप उसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी बैंक के रिगार्डिंग। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ डिविडेंड पेमेंट ऑफ रुपीज डैश टू द सेंट्रल फॉर द फिस्कल ईयर 21-22। तो आरबीआई के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र को डैश रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। कितने रुपए के? 30,307 करोड़ रुपए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरबीआई अप्रूव्ड रुपीज 30,307 करोड़ डिविडेंड पेमेंट टू सेंटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए केंद्र को 30,307 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड सितिकांता पटनायक हैव बीन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बाय द आरबीआई। यानी कि डैश और सितिकांता पटनायक को आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है। किसको? राजीव रंजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजीव रंजन और सितिकांता पटनायक को आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है। राजीव रंजन एंड सितिकांता पटनायक हैव बीन नेम्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई। राजीव रंजन वाज एडवाइजर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बिफोर बीइंग अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी कि राजीव रंजन और सितिकांता पटनायक को आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है। राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। कौन? राजीव रंजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ रुपीज 59 लाख ऑन केईबी हैना बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू डैश। यानी कि आरबीआई ने केईबी हाना बैंक पर डैश से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
किस क्या इसमें सही आंसर हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आरबीआई हैज इम्पोज द पेनल्टी ऑफ ₹59 लाख ऑन द कोरियन बैंक केईबी हाना बैंक. क्या कौन सा बैंक है? कोरियन बैंक है केईबी हाना बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स. तो आरबीआई ने कोरियन बैंक केईबी हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर ₹59 लाख का जुर्माना लगाया है. इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. कोरियन बैंक हैज बीन पेनलाइज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय आरबीआई फॉर बैंक्स टू इंप्लीमेंट लोकलेबल कैसेट स्वैप इन ऑल देयर एटीएम्स. तो बैंकों को अपने सभी एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट स्वैप लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. वो है मार्च 31, 2023. आरबीआई ने बैंकों को अपने एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, जिससे नकद पुनः पूर्ति के दौरान एक वर्ष तक स्वैप किया जा सकता है. यानी कि आरबीआई हैज डिलेड द डेडलाइन फॉर बैंक्स टू लोकलेबल कैसेट्स इन देयर एटीएम्स दैट कैन बी स्वैप्ड ड्यूरिंग कैश रिप्लेसमेंट बाय एयर टिल मार्च 31, 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द RBI banks have reported to a total fraud of how many crores? यानी कि RBI के अनुसार बैंकों ने कुल कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी है? वो दी है 34,097 करोड़. इसका सही आंसर हो जाएगा. RBI के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर को समाप्त 9 महीनों में 27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं दर्ज की गई है. पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा 13 धोखाधड़ी हुई है. अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ऑफ इंडिया डेटा, आरबीआई डेटा इन द 9 months एंडिंग दिसंबर 96 इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड वर रिकॉर्डेड बाय 27 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. टोटली ₹34,097 करोड़. पंजाब नेशनल बैंक हैड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स ₹4,820 करोड़, वाइल द बैंक ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड्स एट 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द लिमिट फॉर WMA. व्हाट इज द फुल फॉर्म? वेज एंड मींस एडवांसेस फॉर स्टेट्स एंड यूटीज एट डैश. यानी कि आरबीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा डैश तक निर्धारित की है. कितनी की है? वो की है 47,010 करोड़ रुपीज. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. रिजर्व बैंक ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और साधन अग्रिम यानी कि WMA को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए का कर दिया है. और WMA RBI द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतान के बीच किसी भी विसंगति से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालिक ऋण है. यानी कि RBI reduced the WMA for states and UTs to ₹47,010 crore from ₹51,560 crore on Friday. Sitting on the improvement in the economic scenario, WMA are short-term loans provided by the RBI to the government to help in deal with the discrepancies between recipients and payments. नेक्स्ट पे चलेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज इश्यूड अ फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फुली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई. यानी कि आरबीआई ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा जारी की है. निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स हैं जो फुली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? वो है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक. राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हाउसिंग बैंक.
आरबीआई ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा जारी की है। यह ढांचा डिजिटल भुगतान को गहरा करने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक के फोकस का हिस्सा है। यानी कि आरबीआई हैज रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग। जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स द फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक फोकस फॉर डीपिंग डिजिटल पेमेंट एंड प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एक्सेस टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कॉशन द पब्लिक अगेंस्ट कार्पूलिंग ऐप डैश। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्पूलिंग ऐप डैश के प्रति जनता को आगाह किया है। राइट आंसर क्या होगा इसका? एस राइट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आरबीआई हैज कॉशन द पब्लिक अगेंस्ट कार्पूलिंग ऐप एस राइट। द कॉशन अगेंस्ट एस राइट ऐप स्टेटिंग दैट दिस फर्म वॉज ऑपरेटिंग अ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट विदाउट रिसीविंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2000। यानी कि आरबीआई ने कार्पूलिंग ऐप एस राइट के खिलाफ जनता को आगाह किया है और एस राइट ऐप के प्रति सावधानी यह बताते हुए यह फर्म भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना एक अर्थबंध प्रीपेड साधन का संचालन कर रही थी। इसी के रिगार्डिंग आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी अवेयर इज अ बुकलेट फीचरिंग मॉड्यूल्स ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। द बुकलेट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बी अवेयर वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों की एक पुस्तिका है। पुस्तिका किस संगठन द्वारा जारी की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये पुस्तिका जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई हैज लॉन्च्ड ए बुकलेट नेम बी अवेयर। अगर आपसे बुकलेट का नाम पूछा जाएगा तो भी आपने इसको याद रखना है। इसका नाम है बी अवेयर विच फीचर्स कॉमन मोडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैरिंग आउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यानी कि आरबीआई ने बीएवे नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की है जिसमें धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बढ़ती जाने वाली सावधानियों को शामिल किया गया है। इसी के रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रिसेंटली स्टॉप्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स अंडर विच सेक्शन ऑफ Which RBI Act। यानी कि RBI ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को RBI अधिनियम की किस धारा के तहत नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है। राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन 35A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। RBI has directed Paytm Payments Bank Limited to stop the onboarding of new customers with immediate effect. The bank has also been directed to appoint an IT audit firm to conduct a comprehensive system audit of its IT system. The RBI took the decision in exercise of its power and under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949. यानी कि RBI ने Paytm Payments Bank Limited को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के onboarding को रोकने का निर्देश दिया है और बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A यानी कि सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है। इसी पॉइंट्स जो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर देखिए। बात कर लेते हैं हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। तो चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा, एमडी सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI has launched a 24/7 helpline for digital payments. What is the name of this initiative? तो RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 helpline शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? इसका नाम है डिजी साथी। इसका क्या नाम है? डिजी साथी इज द राइट आंसर। RBI has launched two initiatives related to digital payments. One is UPI 123 pay, which provide a UPI payment facility on features phone, and the second is Digi Saathi, which is 24/7 helpline for digital payments. यानी कि RBI ने
डिजिटल भुगतान से संबंधित दो पहल शुरू की है। पहली पहल का नाम है यूपीआई 123 पे और दूसरी का नाम है डिजी साथी। यूपीआई 123 पे जो फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करता है, जो पहला है यूपीआई 123 पे। सेकंड है डिजी साथी, जो डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन है। इसका क्या नाम है? डिजी साथी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों देख सकते हैं रिगार्डिंग टू डिजी साथी। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज रिसेंटली डेडिकेटेड एन इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्णिका इन विच प्लेस। यानी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? वो है मैसूर। ऑप्शन बी मैसूर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड हैज सेट अप एन इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेम वर्णिका एट मैसूर कर्नाटक विद एन एनुअल इंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ रुपीज 1500 एमटी टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ बैंक नोट्स। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के लिए मैसूर कर्नाटक में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वर्णिका। इसी के रिगार्डिंग आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द आरबीआईएच लोकेटेड? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआईएच? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास has inaugurated the RBIH in Bengaluru on Thursday, which was established with a rupees 100 crore initial capital contribution to foster and nurture financial innovation. According to the central bank, the hub has an independent board of Snapti, Chris Gopal Krishnan as chairman and other notable people from the industry and academics as member. यानी कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बेंगलुरु में RBIH का उद्घाटन किया है, जिसे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया था। केंद्रीय बैंक के अनुसार हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसमें क्रिस गोपाल कृष्ण अध्यक्ष और अन्य उल्लेखनीय लोगों के उद्योग और शिक्षाविदों के सदस्य के रूप में इसमें शामिल है। बात कर लेते हैं हब की। द हब वुड ब्रिंग टुगेदर सेवरल स्टेक होल्डर्स इन द फाइनेंशियल इनोवेशन एरिया बीएफएसआई सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रेगुलेटर्स एंड एकेडमिया। यानी कि जो हब है वो वित्तीय नवाचार, बीएफएसआई क्षेत्र, स्टार्टअप इकोसिस्टम, नियामक और एकेडमिक में कई हितधारकों को एक साथ लेके आएगा। ये जो मैंने आपको बोर्ड करके क्वेश्चन ये पॉइंट्स दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The government of India has done a conversion Swiss transaction of its securities with the RBI on January 28, 2022 for an amount of rupees dash. यानी कि भारत सरकार ने 28 जनवरी 2022 को आरबीआई के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन रुपये की राशि के लिए किया है। कितना किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1,19,701 करोड़ रुपये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ कन्वर्जन स्विच ट्रांजेक्शन ऑफ इट सिक्योरिटीज विद द आरबीआई फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,19,701 करोड़ फेस वैल्यू। तो भारत सरकार ने 1,19,701 करोड़ रुपये की राशि के लिए आरबीआई के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेन देन किया है। इसी के रिगार्डिंग आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, यानी कि VRR, what is the full form of VRR? इसका full form है voluntary retention route for investments by foreign portfolio investors, FPIs. तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुपीज 2.5 लाख करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड द वीआरआर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन डेप्थ इन 2019 विद एन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ रुपीज 1,50,000 करोड़, यानी कि 1,50,000 करोड़। आरबीआई ने 2019 में 1,50,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई द्वारा ऋण में निवेश के लिए स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग यानी कि वीआरआर की शुरुआत की थी। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं कंटेंट में, आप देख सकते हैं। और बढ़ी हुई निवेश सीमा निम्नलिखित विवरण के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से आवंटन में खुली होगी। ये आपको हिंदी के पॉइंट्स है, ये सेम ही आपको इंग्लिश के पॉइंट्स दिए गए हैं। द इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर वीआरआर हैज बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज 2,50,000 करोड़, यानी कि 2,50,000 करोड़। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अदर पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय आरबीआई इन 2022। तो 2022 में आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया है, उसका विषय क्या है, उसका थीम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 का थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या है इसका थीम, गो डिजिटल गो सिक्योर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गो डिजिटल गो सिक्योर। RBI will observe February 14 to 18, 2022 as Financial Literacy Week. RBI has been conducting Financial Literacy Week every year since 2016 to propagate financial education message on a particular theme across the country. Bank has been advised that disseminate the information and create awareness among its customer and the जनरल पब्लिक। यानी कि आरबीआई ने 14 से 18 फरवरी 2022 को एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 के रूप में मनाया है और आरबीआई देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आयोजित कर रहा है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सूचना का प्रसार करें, ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स इन 2021। यानी कि 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि द लार्जेस्ट बायर द सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड बॉट 90 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड व्हाइल आरबीआई बॉट 77.5 मेट्रिक टन टेकिंग इट्स टोटल गोल्ड रिजर्व 2,754.1 टन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021। यानी कि सबसे बड़ी खरीददार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है, जबकि आरबीआई ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 टन ले जाते हुए 77.5 मीट्रिक टन खरीदा है। अगर फर्स्ट में पूछा जाए तो इसमें फर्स्ट रैंक में है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड और आरबीआई इसमें कौन सी रैंक पे है, सेकेंड रैंक पे। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ है डेविड टैट, हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में, फाउंडेड 1987, प्रेसिडेंट है कैल्विन डस्टिंग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has extended the deadline for non-banking financial companies to comply with new
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस क्लासिफिकेशन नॉर्म्स टू डैस, यानी कि आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए गैर निष्पादित आस्तियों एनपीए वर्गीकरण मानदंडों का पालन करने की समय सीमा डैश तक बढ़ा दी है। कब तक बढ़ा दी है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वो बढ़ा दी है September 2022 तक, यानी कि September 2022 तक बढ़ा दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी September 2022। RBI has extended the deadline. RBI has extended the deadline for NBFCs to comply with new NPAs, yeah, classification norms, to September 22 from the earlier deadline of March 2022. क्या मतलब है इसका कि RBI ने NBFCs के लिए NPA वर्गीकरण मानदंडों यानी कि नवंबर 2021 में RBI द्वारा जारी किए गए मानदंडों का पालन करने की समय सीमा मार्च 2022 की पूर्व समय सीमा से सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। इसी के रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज बीन कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली, यानी कि हाल ही में आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रखा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल्ड बैंक बाय द आरबीआई इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 व्हिच क्या बोला गया है, विद दिस एयरटेल पेमेंट बैंक कैन नाउ पिच फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक अब सरकार के लिए पिच कर सकता है और एयरटेल पेमेंट्स बैंक 115 मिलियन यूजर्स के साथ आधार के साथ देश में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकों में से एक है। कौन सा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ है अनुव्रता विश्वास, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन जनवरी 2017। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज अपॉइंटेड डैश एंड अजय कुमार चौधरी एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd of January, यानी कि आरबीआई ने डैश और अजय कुमार चौधरी को 3 जनवरी से नए ईडी के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है, तो वो किया है दीपक कुमार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आरबीआई हैज अपॉइंटेड दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी एज न्यू ईडी विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd of January, यानी कि आरबीआई ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को 3 जनवरी से नए ईडी के रूप में नियुक्त किया है। कब से किया है, 3 जनवरी से किया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बकेट्स आर यूज्ड बाय आरबीआई टू क्लासिफाई बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्ट बैंक्स डी सिप्स, यानी कि बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई द्वारा कितने बकेट का उपयोग किया जाता है, तो वो है 5, ऑप्शन ए 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आरबीआई हैज रिटेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एड एज ए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक डीसीप्स। दीज 3 बैंक्स हैव कंटिन्यूज टू बी ऑन द डीसीप्स लिस्ट पब्लिश्ड बाय आरबीआई सिंस September 4, 2017। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच इज इफ फेल वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। द डीसीप्स बैंक आर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट्स, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5, इन द 5 बकेट्स। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड, द अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन वाज फिक्स्ड एट ₹200 विद अ टोटल लिमिट ऑफ डैश एट एनी पॉइंट इन टाइम, यानी कि आरबीआई ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा ₹200 तय की गई किसी भी समय डैश की कुल सीमा के साथ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
2000 रुपीज का सही आंसर है। तो आरबीआई हैज इश्यूड अ फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड यूजिंग कार्ड्स, वॉलेट्स, मोबाइल डिवाइसेज एक्सेट्रा टू पुश डिजिटल ट्रांजेक्शन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द लेटेस्ट डेटा बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट इज द अप्रोक्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट्स ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम एज ऑन December 2021। यानी कि वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते में जमा की गई राशि लगभग कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी है, ₹1.5 लाख करोड़, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.5 लाख करोड़। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स ओपनड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम हैव क्रॉस्ड ₹1.5 लाख करोड़ मार्क। द टोटल बैलेंस इन द अकाउंट अंडर द जनधन स्कीम वॉज रिकॉर्डेड टू ₹1,50,939.36 करोड़ एज ऑन December 2021। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑन डिपॉजिट्स एंड अदर एक्सटेंशन ऑफ फंड्स। बैंकों के लिए जमा राशियों और अन्य निधि के विस्तार पर चल निधि कवरेज अनुपात बनाए रखने की नई सीमा क्या है, तो वह है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। तो आरबीआई हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑन डिपॉजिट्स एंड अदर एक्सटेंशन ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर फ्रॉम ₹5 करोड़ टू 7.5 करोड़। यानी कि आरबीआई ने गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त सम जमा और अन्य धन के विस्तार पर तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखने के लिए बैंकों के लिए सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एम्बर्समेंट स्कीम 2021 रिलीज्ड बाय आरबीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई ऑफिस हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम कंप्लेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ July 1, 2022 टू March 31, 2021। यानी कि आरबीआई द्वारा जारी लोकपाल योजना 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के निम्नलिखित में से किस कार्यकाल की अवधि को के दौरान सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आरबीआई हैज रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एम्बर्समेंट स्कीम फॉर 2021 विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द 9 months पीरियड July 1, 2022 टू March 31, 2021 इन अलाइनमेंट विद द चेंज इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई July to June to April to March with the effect from July 1st, 2021। यानी कि आरबीआई ने 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसे आरबीआई के वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के अनुरूप 9 महीनों की अवधि के लिए तैयार किया गया है, 1 जुलाई 2020 से जुलाई जून से अप्रैल मार्च तक। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द गाइडलाइंस ऑन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर टू लार्ज बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसीज एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, हाउ मेनी डिजिट्स डज द एलईआई नंबर हैव। यानी कि आरबीआई ने एनबीएफसीज और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता पर दिशा निर्देश का विस्तार किया है, LEI संख्या में कितने अंक हैं, तो उसमें कितने हैं, 20 डिजिट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आरबीआई एक्सटेंडेड LEI गाइडलाइंस फॉर लार्ज बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी यूसीबीज। तो आरबीआई ने एनबीएफसी यूसीबी के बड़े उधारकर्ताओं के लिए LEI दिशा निर्देश का विस्तार किया है। RBI has extended the guidelines on LEI to large borrowers of NBFCs and primary cooperative banks. तो आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI पर दिशा निर्देश का विस्तार किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। और आरबीआई के रिगार्डिंग बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, फाउंडेड 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। 4 डेप्यूटी गवर्नर है, कौन कौन, एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू द आरबीआई पेपर, द ऑप्टिमल हेच रेशियो फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज एट व्हाट परसेंटेज, यानी कि आरबीआई के पेपर के अनुसार बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात कितने प्रतिशत पर है, वो है 63% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. According to the RBI working paper, the optimal hedge ratio for the external commercial borrowings raised by firms in India is estimated at 63% for the periods of high volatility in the foreign exchange, यानी कि forex market. तो RBI के working paper के अनुसार भारत में फर्मों द्वारा उठाए गए बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात विदेशी मुद्रा में उच्च अस्थिरता की अवधि के लिए 63% अनुमानित है. नेक्स्ट पे चलेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ व्हिच स्टेट मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थस रिस्ट्रिक्टिंग इट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश फंड्स, यानी कि आरबीआई ने किस राज्य के मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इस प्रकार इसे जमा के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया है. तो किस स्टेट का है ये कर्नाटका का है. ऑप्शन सी कर्नाटका इज द राइट आंसर. द आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बगलकोट कर्नाटक, थस रिस्ट्रिक्टिंग इट फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश फंड्स, यानी कि आरबीआई ने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इस प्रकार से इसे राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया है. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. व्हाई डिड आरबीआई टेक दिस स्टेप, तो बात करें कि आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया है. तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा, यानी कि आरबीआई सेड दैट द बैंक विद इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन विल बी अनेबल टू मेक फुल पेमेंट टू इट्स एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स. बात करें डीआईसीजीसी की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआईसीजीसी, इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. किसका फुल फॉर्म है डीआईसीजीसी का, क्या फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. चेयरपर्सन कौन है माइकल पात्रा, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडेड इन 15th of July 1978. किसकी बात हो रही है यहाँ पे डीआईसीजीसी. अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has imposed a monetary penalty of rupees dash on Manappuram Finance Limited for non-compliance of KYC direction and prepaid payment instruments PPI norms. So RBI ne apne grahak ko jaane KYC nirdesh aur PPI मानदंडों का पालन न करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर डैश का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. तो वो लगाया है 17.63 लाख, यानी कि 17.63 लाख का. RBI has imposed a monetary penalty of rupees 17.63 lakh and Manappuram Finance Limited for non-compliance with certain provision of the master direction and on issuance and operations of prepaid payment instruments PPIs dated October 11, 2017. And the master direction, know your customer direction dated February 25, 2016. यानी कि आरबीआई ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने और संचालन पर मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 17.63 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है 28 फरवरी 2020 और मास्टर अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी निर्देश दिनांक 25 फरवरी 2016 को अद्यतन किया गया है. अगर आप लिस्ट देख सकते हैं, मैंने आपको दी है लिस्ट ऑफ बैंक्स हु हैज बीन इम्पोज्ड पेनल्टी बाय आरबीआई. ये लिस्ट आपको दी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज एमेंडेड नॉर्म्स फॉर बैंक्स टू क्लेम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स अंडर द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन स्कीम थ्रू KCC, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू रुपीज 3 लाख टू फार्मर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम. द गवर्नमेंट ऑफर्स इंटरेस्ट सबवेंशंस ऑफ 10% एनुअली टू बैंक्स, यानी कि आरबीआई ने बैंकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सबवेंशन की राशि का दावा करने के लिए मानदंडों में संशोधन किया है
और किसानों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए सरकार बैंकों को 10% वार्षिक ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। कितना करती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो करती है 2% इज द राइट आंसर। आरबीआई ने केसीसी के तहत अल्पकालिक फसल ऋण योजना पर बैंकों के लिए संशोधित मानदंड क्या है, तो आरबीआई ने बैंकों के लिए केसीसी के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सबवेंशन की राशि का दावा करने के लिए मानदंडों में संशोधन किया है। आरबीआई हैज अमेंडेड नॉर्म्स फॉर बैंक्स टू क्लेम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स अंडर द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन स्कीम थ्रू केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको जरूर देखिए। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1.12 करोड़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस पार्टीज टू सर्टेन डायरेक्शन इश्यूड अंडर द केवाईसी डायरेक्शन ऑफ 2016। यानी कि आरबीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2016 के अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी दिशा निर्देशों के तहत जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 1.12 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, वो लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर गैर अनुपालन के लिए 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई इम्पोज पेनल्टी ऑफ ₹1.12 करोड़ ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर नॉन कंप्लायंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर देखिए। चलेंगे नेक्स्ट भी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट सर जेरोदादा नायक सिराला सहकारी बैंक। यानी कि आरबीआई ने किस राज्य के सर जेरोदादा नायक सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये किस स्टेट का बैंक है, ये है महाराष्ट्र का बैंक। ऑप्शन सी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ सर जेरोदादा नायक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र एज इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स। With the cancellation of the license, Sir Jeriyada Nayak Sirala Sahakari Bank Limited has ceased to carry a banking business with effect from the close of business hours on 2nd of March. The bank is not complying with the various section of the Banking Regulation Act 1949. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। और DIGC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चेयरपर्सन है माइकल पात्रा, फाउंडेड 15 जुलाई 1978, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड एट डैश उत्तर प्रदेश। तो आरबीआई ने डैश उत्तर प्रदेश से पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कहाँ का बैंक है ये, कानपुर का बैंक है, उत्तर प्रदेश कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। RBI has cancelled the license of People's Cooperative Bank Limited, Kanpur, Uttar Pradesh, as the bank failed to adhere the requirement of Section 22 to 28D and under Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RBI has imposed several restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited, Lucknow, including a cap of ₹ with withdrawals। यानी कि RBI ने भारतीय मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर कई प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें निकासी पर डैश कैप शामिल है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ₹1 lakh is the right answer of this question. RBI has imposed several restrictions of Indian Mercantile Cooperative Bank Limited Lucknow, including a cap of ₹1 lakh on withdraw. The restriction came into force from the closures of business hours January 28 to 2022. इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has cancelled the license of Independence Cooperative Bank Limited. Where is the headquarter of the bank located? यानी कि RBI ने Independence Cooperative Bank Limited का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंक का हेडक्वार्टर है नासिक में। ऑप्शन बी नासिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। RBI has cancelled the license of Independence Cooperative Bank Limited, नासिक महाराष्ट्र, February 3rd of 2022. The major reason of the cancellation of the license by RBI is that bank does not have adequate capital
कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। तो आरबीआई ने 3 फरवरी 2022 से इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने का प्रमुख कारण ये है कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इसी के रिगार्डिंग है, आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, मैंने आपको दिया है आरबीआई अनाउंस रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2021। तो आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है अपना फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर का रिजल्ट। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस टू मंथ में, जो हार्बिंगर 2021 का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। अब इसका आरबीआई ने रिजल्ट, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया है। तो आप इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं और मैंने आपको रिजल्ट भी यहाँ पे मेंशन किया है। वीडियो को पॉज करके इस टेबल को आप देख सकते हैं। और अदर मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं इसी के रिगार्डिंग, आरबीआई इंडिया कैप्ड लैंडिंग लिमिट्स एनबीएफसीज। तो आरबीआई ने एनबीएफसीज की उधार सीमा को कितना सीमित किया है, यही मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। तो ये आप पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आरबीआई हैज सेटन द रूल ऑफ एनबीएफसीज रिलेटिंग टू देयर लार्ज एक्सपोजर्स। यानी कि आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उनके बड़े एक्सपोजर से संबंधित नियमों को कड़ा कर दिया है। तो आरबीआई ने एनबीएफसीज की उधार सीमा को सीमित कर दिया है। इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये पॉइंट्स जरूर देखने हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, आप लोग इनके एड्रेस नीचे लिंक में देख सकते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अदर स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। तो हमने यहाँ पे अपने लास्ट 6 महीने का आरबीआई सर्कुलर्स का वीडियो कंप्लीट किया है। इसका पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।